वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीवीआर स्टडी। मैं राजकुमार दुबंसी आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप नोटिफिकेशन को ऑफ करें। आप देखते होंगे कुछ भी करते रहें और बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं और जो कि ऊपर से ड्रैग होकर के आपको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो आज हम आपको इसी के बारे में सिखाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जैसे ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा है ना, ये आ रहा है, इसको बंद करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उस समय ये काफ़ी डिस्टर्ब करता है, तो इस डिस्टर्बेंस को हम दूर करने वाले हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो आता है ना ऐसे ऊपर से, ये नहीं आएगा, क्योंकि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं ऊपर से ये आता है और काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, उसके पहले हम आपको बता दें आप देख रहे हैं पीवीआर स्टडी, आपका अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। ये एकमात्र चैनल ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया से इसमें लाखों संख्या में आपके मित्र लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो सेव कॉन्टैक्ट है इस फ़ोन में, 5,550 नंबर इस फ़ोन में सेव है। जी हाँ, बिल्कुल लगभग 6,000 नंबर इसी फ़ोन में सेव है। बाकी आपके और दो तीन फ़ोन जो चलते हैं, यानी कि 70,000 स्टूडेंट में से लगभग में 25,000 से 30,000 नंबर इसमें सेव हैं। जी बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, इसमें सारे नंबर बिल्कुल एकदम सिक्योरिटी के साथ सेव होते हैं। कोई किसी का नंबर ना पा सकता है, ना ही कुछ यहाँ से लीक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिया के हर एक जगह से गर्ल्स बॉयज सभी जुड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं आपका अपना जो भी वर्क है उसको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी का या फिर इंडिया का कोई भी ऐसा राज्य और ज़िला नहीं है जहाँ से कोई ना हो। दिल्ली से, बलिया से, यानी बलिया यूपी, कानपुर, बुलंदशहर, गोंडा और औरंगाबाद यानी कि बिहार, आप जान सकते हैं पुणे से, हर जगह से लोग हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं सेटिंग आपको, जो मेन बात है उसको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है। ये इधर किनारे क्लिक करना है जहाँ पर तीन डॉट बिंदु है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर? साइड में। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको बार बार मैसेज आने पे ऊपर से नोटिफिकेशन आता है ना, डिस्टर्ब होता है ना, है ना, ऊपर से आप देख रहे हैं आ रहा है ना, तो ये नोटिफिकेशन हम बंद करना आपको सिखाएंगे। ऊपर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपको इधर साइड में क्लिक करना है जहाँ सेटिंग आता है, यानी यहाँ क्लिक करना है। तो वहाँ मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रुकिएगा। कहाँ से करना है, देखिए ये यहाँ क्लिक करना है, यहाँ मैंने कर दिया। अब आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, इसमें अब आपको सेटिंग में क्लिक करना है और सेटिंग में करने के बाद कुछ ऐसे आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका अपना पीवीआर स्टडी, सफलता डिग्री की मोहताज नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद आपको नीचे ड्रैग करके जाना है नोटिफिकेशन सेक्शन में, नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे कॉलम दिखेंगे, है ना। तो यहाँ से आप चाहें तो साउंड वगैरह बंद कर सकते हैं, जो मैसेज आता है तो टिन टुन होता है, इसे आप बंद कर देंगे तो कोई मैसेज आने का ये आवाज़ नहीं आएगा, इसे ऑन रखेंगे तो थोड़ा कुट पुट बोलेगा, है ना। इस नोटिफिकेशन टून को आप बंद कर देंगे तो आपको मैसेज आने पर आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। मेन पॉइंट ये है आपका हाई, देख रहे हैं ना, हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। जी हाँ, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आप ऊपर से नोटिफिकेशन जो आने की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इसको हम ऑफ़ करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद देखिए अभी आपके सारे बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, उनको हम आपको दिखाते हैं और फिर आप देखिएगा बिल्कुल आपको कोई नोटिफिकेशन ऊपर से नहीं आएगा, आप सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं बस। जी बिल्कुल, आप सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए अब मैसेज आ रहे हैं अभी भी ना, है ना। तो लेकिन आप यहाँ पर देखें तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ऊपर से मैसेज आ रहे हैं, आप खींच करके देख सकते हैं ये, है ना। इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने समझ लिया इतना देर में। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो लोग जुड़ते हैं वो कैसे कैसे जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जुड़े हुए हैं दलबीर सिंह, जो कि कानपुर यूपी से हैं। इन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ है और हल करने का रिक्वेस्ट किया, हमारी तरफ से इनके पास ऑटोमेटिक मैसेज गया जो कि ऑटो सेंड होता है। उसके बाद इन्होंने इसका जवाब दिया और जवाब में इन्होंने लिखा है, आई एम दलबीर सिंह फ्रॉम कानपुर, क्वालिफिकेशन 12th 24 नंबर क्वेश्चन प्लीज सॉल्व। इधर से रिप्लाई किया गया बेट, क्योंकि आप जानते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व होता है मैथ का उसको हम खुद ही करते हैं, और आपके जो भी सर हैं जैसे अवधेश सर, सीयू या फिर कोई भी, उन सवालों को नोट करके रखता है और फिर एक टॉपिक पर ज़्यादा लोग अगर सवाल करते हैं तो उस टॉपिक को शामिल किया जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप और भी ऐसे बहुत से कॉन्टैक्ट देख सकते हैं जो स्टडी से रिलेटेड अपनी हेल्प चाहते हैं। हाय, आई एम वेरी वीक इन मैथ, आई वांट टू लर्न एलसीएम।
उसके बाद इनके पास ऑटोमेटिक मैसेज गया जिनका इन्होंने रिस्पांस दिया होगा, ये आप देख सकते हैं नीचे। रणवीर जाट, राजवीर माफ़ करिएगा, नीमच एमपी से हैं, यानी कि ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी तरह का आप कोई भी मैसेज देख सकते हैं, कुछ भी मैसेज आप देख सकते हैं जो कि बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कुछ नए जुड़े हैं, कुछ पुराने जुड़े हैं, कुछ लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है, कुछ लोग फ्री की क्लास देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें पेड क्लासें भी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट है पेड क्लास वालों की, और इसमें देखिए हज़ारों की संख्या में इस लिस्ट में, तो आप जानते हैं 256 लोग एक लिस्ट में जुड़ते हैं, बाकी और भी इस तरह की बहुत सी लिस्टें हैं। ये सब क्लास ज्वाइन करने वाले हैं जो कि स्पेशल लिस्ट में जोड़े गए, यानी कि लिस्ट नंबर फर्स्ट में। आप जानते हैं इस फोन में लगभग में 25 लिस्ट है, जिसमें से सबसे पहले दूसरी लिस्ट जो होती है वो पेमेंट वालों की लिस्ट होती है जी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप पेमेंट ही करें, आप फ्री की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सी क्लास बिल्कुल फ्री होती हैं आपके लिए, आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं पीवीआर स्टडी के अपने कई ग्रुप भी चलते हैं, इन ग्रुप में भी जो लोग जुड़े होते हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं, और लगभग में दिन में उनको कई क्लास इकट्ठा भेज दी जाती है जी। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इस तरह से आप देख सकते हैं इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं। यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड ही नहीं बल्कि टेक्निकल हेल्प से रिलेटेड भी वीडियोज आपको मिलते हैं, जैसे जीमेल से संबंधित, व्हाट्सएप से संबंधित, और बहुत से कुछ टेक्निकल मैसेज आपको भी दिए जाते हैं जी। हाँ यहाँ पर आप कोई भी मैसेज देख सकते हैं। ये जीरो लेवल की गणित की क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं जो कि बदायूं यूपी से हैं, और मैं किसी का चैटिंग आपको कैसे दिखाऊं फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर कोई जो भी चैटिंग होती है आप कोई भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आप देख सकते हैं हेलो हाय हेलो, उसके बाद इन्होंने बताया मैं लालू यादव कोचिंग करना चाहता हूँ, संभल यूपी का रहने वाला हूँ जी। उसके बाद इन्होंने अपना क्वेश्चन भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं इनके सवाल क्या हैं। अंडर रूट ये देखिए वार लगा हुआ 0.4 अपान, ये इसका इन्होंने वर्गमूल पूछा हुआ है क्या होगा, जो कि SSC स्नातक स्तर यानी CGL में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह से आप भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें आपके सवाल केवल सैटरडे और संडे को हल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। देखिए ये अभी आज ही जुड़े हुए हैं, ये जीमेल की हेल्प चाहते हैं, ये पासवर्ड बोल चुके हैं, इनको कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए। इसके अलावा आप स्टेटस देख सकते हैं, स्टेटस में आपको क्लास ज्वाइनिंग से संबंधित अपडेट और भी बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। स्टेटस देखने वालों की संख्या अभी रात्रि 12:42 हो रहा है, आप देख रहे हैं ये 12:42 हो रहा है रात्रि का टाइम, और इन्होंने जो 3:36 पर स्टेटस लगा था 485 लोगों ने देख लिया अभी तक, यानी कि हज़ारों की संख्या में लोग व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे और ये जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम दूसरे की व्हाट्सएप की स्टेटस देखें तो सुबह से लेकर शाम हो जाए इसमें ये ख़त्म नहीं होने वाले बाबू जी। हाँ बिल्कुल 5-6 हज़ार लोगों में से इसमें कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की व्हाट्सएप स्टेटस है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कहाँ से है जी। हाँ सुल्तानपुर यूपी नवोदय विद्यालय से हैं प्रियंका, और कपिल कविता शर्मा उदयपुर राजस्थान से हैं, राजीव कुमार आजमगढ़ यूपी से हैं, दिलीप वर्मा और पांडे जी हैं दिल्ली से हैं। इसी तरह से सुजीत कुमार देखिए पटना से हैं, मंगल सिंह हैं मैनपुरी यूपी से, और मुरारी साजापुर एमपी से हैं, संतोष कुमार लखनऊ से हैं, और श्रद्धा जी प्रतापगढ़ यूपी से हैं, और इसी के साथ आप यहां देख सकते हैं प्रेमलता बनारस यूपी से, और इस तरह दुबे भिंड एमपी से हैं। इस तरह से आप यहां पर बहुत सारे नंबर की स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन आपके मैसेज का जवाब देते देते लोग थक जाते हैं, किसी की व्हाट्सएप स्टेटस कोई देखता नहीं हमारे द्वारा, जबकि आप देखते होंगे पीवीआर स्टडी की व्हाट्सएप स्टेटस हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं। ये सभी लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ है, किसी का भी स्टेटस आप देख सकते हैं। स्कूल ही वो जगह है जहाँ पर इंसान पहली बार आने में जितना, बाकी तो भाई गायब हो गया है ना। तो चलें आगे, आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो मैंने इतना लंबा क्यों खींच दिया, जिससे कि आप लोगों को मालूम हो सके, आप लोगों को जानकारी हो सके कि देखिए यहाँ बहुत सारी कॉल भी आती हैं, बहुत लोग वीडियो कॉल करते हैं, बहुत लोग ऑडियो कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी कॉल यहाँ पर रिसीव नहीं की जाती है। अक्सर सभी कॉल जो हैं वो मिस हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं होता किसी के पास। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप में आपको क्लास की लिंक वगैरह दिया जाता है, क्लास ज्वाइन करते हैं अगर आप तो आपको स्पेशल क्लासें मिलती हैं, सभी क्लासें जिनकी बात ही स्पेशल होती है। तो मित्रों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे आपकी, अभी अगली क्लास होगी उसे आप ज़रूर देखिएगा,
ठीक है, कुछ मित्र इसमें नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि उनके सवालों के जवाब काफ़ी देर में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन्होंने कुछ कमेंट किया है, एक सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जी हाँ, बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं आपसे क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी तो 12 बजे ये सारे सवालों का जवाब क्लियर हो चुका है, कोई भी सवाल नहीं बचा हुआ। इस समय 12:45 हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं, फिर भी 5-6 मैसेज अभी आ चुके हैं तुरंत, यानी कि 24 घंटे आपके मैसेज आते रहते हैं और दिन भर में हज़ारों मैसेज आते हैं। तो इस वजह से टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम कांटेक्ट में जाएंगे और इनको खींचते जाएंगे ना, तो ये सुबह से शाम हो जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जी हाँ, इतना तेज़ी के साथ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। काम की जानकारी तो आप समझ गए होंगे ना, जो जानकारी आपको जानना था। कोई ऐसा राज्य नहीं यहाँ पर जहाँ से कोई भी स्टूडेंट ना हो, जैसे कि आप ले लेते हैं एमपी। एमपी तो आपने अभी देखा था, एमपी से आप देखेंगे यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं। अगर आप यूपी लेते हैं तो यूपी की तो बात ही छोड़िए, अगर आप झारखंड लेते हैं JH, या फिर आप राजस्थान लेते हैं RJ, कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ से कोई ऐसा हो नहीं। देख सकते हैं, चाहे 10 ही स्टूडेंट हों, 15 ही हों, लेकिन हैं ज़रूर यहाँ पर। आप हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ से कितने हैं। हर जगह से, कहीं से कोई बाकी नहीं कि जहाँ से कोई हो ना। जम्मू एंड कश्मीर, चाहे एक ही स्टूडेंट हो, दो ही, चार, 10 हो, लेकिन है ना कोई ना कोई। कोई भी राज्य का नाम आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप खोज सकते हैं अगर आप स्टडी करते हैं तो। ये 10 मिनट का वीडियो बड़ा करने का आप उद्देश्य समझें और अवश्य जुड़ें आज ही PBR स्टडी के साथ। आपको नंबर दिखाया गया है, देखिए बिहार से जुड़ने वालों संख्या इतनी है ना, आप समझ गए होंगे। आपके इंडिया की राजधानी दिल्ली से अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी में तो नहीं लिखा गया फिलहाल, लेकिन दिल्ली से भी जुड़ने वालों की संख्या 2-4-10 अवश्य हो सकती है। और इतना ही नहीं, आपकी माया नगरी मुंबई से भी बहुत से लोग हैं, ये देख सकते हैं, ये सब दिल्ली वाले हैं। जी हाँ, ये सब दिल्ली वाले हैं, लगभग 10-12 लोग हैं दिल्ली से भी। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से कोई हो नहीं, यानी कि आपने देखा होगा ना, कौन सा, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ PBR स्टडी चला नहीं। मुंबई, माया नगरी मुंबई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई से भी हम आपको दिखा देते हैं, बट यहाँ मुंबल लिखा हुआ इस वजह से नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं 4-6-8 जो हैं, 2-4-6 इसमें भी हैं। तो चलते हैं फिर मुंबई, मुंबई देखिए भाई यहाँ पर आ नहीं रहा है फिलहाल। हमारी बात ख़त्म हो चुकी है, जो हम मतलब का चीज़ बताने वाले थे वो हो चुका है। तो बस चलते हैं, अपना ख्याल रखना, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, निसंकोच आप आ सकते हैं हमारे साथ और देख सकते हैं सभी क्लास को। थैंक यू।